हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिजलिंग प्लेट विद फाकरी। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ये मज़ेदार सा डिश। ये देखिए, शादियों वाला हमारा सालन मलाई चिकन और ये हमारी तंदूरी रोटी। ये देखिए, घर की बनी हुई ये कितनी सॉफ्ट है और कितनी मुलायम है। इसका कलर देखिए और कितनी फूली हुई है, ये बहुत ही अच्छी बनी है। तो और ये देखिए हमारा सालन, ये हमारी रोटी बहुत ही मज़ेदार है। अब आपको शादियों का वेट करने की या बाज़ार से मंगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब तंदूरी रोटी और हमारा ये मलाई चिकन घर में कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ बनाना कैसे। ये मैंने आधा किलो मैदा लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, एक चम्मच शक्कर पिसी हुई, आप अक्खी भी डाल सकते हैं, आधा चम्मच थोड़ा सा सोडा और ये एक अंडा डालूँगी मैं, और मैंने ये एक कटोरी दही भी लिया है। ये देखिए, ये पूरा कटोरी में दही इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें पानी नहीं ऐड करना है, हम इसको दूध से गूंदेंगे थोड़ी देर के बाद। अभी तो मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी और इसमें ये एक चम्मच तेल, ये देखिए, इसको मैं पहले चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लूँगी, जो हमारा जो अंडा है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालती रहूँगी और इसको गूंदती रहूँगी आटे को। इसको अच्छा सॉफ्ट करके हमें कर लेना है, मिक्स करना है अच्छे से। ये देखिए, पूरा आटा गूंद चुका है, ये हमारा दूध एक कटोरी लग गया था और ये मैंने थोड़ा सा और फिर से कटोरी में निकाला है। मतलब आपको इतना आटा गूंदने के लिए डेढ़ कटोरी दूध चाहिए। अब हम इसको अच्छे से गूंद के और इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देंगे। देखिए, अच्छा गूंद चुका है। अब इसमें थोड़ा सा तेल लगाऊंगी ब्रश से या हाथ से, कैसे भी आप लगा सकते हैं। इसको हम ढक के रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, या ज़्यादा देर तक रखेंगे तो और अच्छी बात है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, इसको मैंने आटे को रख दिया था, ये अच्छा सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए, अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे मत लूँगी, इसको हाथ से थोड़ा सा गूंद लूँगी। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा अगर आप तेल लगा के हाथ में करेंगे तो और अच्छी बात है, हाथ में चिपकेगा नहीं और ये अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए, ये आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें से थोड़ा सा आटा लेके इसकी लोई बनाएंगे, मीडियम साइज़ की, ज़्यादा नहीं लेना है। हम इसको अच्छे से गोल कर लेंगे जैसे हम रोटी ही बनाते ना, बिल्कुल वैसे ही। और एक साइड पर हम तवे को रख देंगे गैस पर गर्म होने के लिए। ये देखिए, अच्छे से आपको शेप करना है इसका, पेड़े का, और अब हम इसको बेल लेंगे। पहले हम तो प्लेट में थोड़ा सा आटा लेंगे, सॉरी मैदा लेंगे, इसको हम मैदे में ही करेंगे, आटा नहीं लेंगे क्योंकि हमने मैदा गूंदा है ना, तो हम उसमें मैदा ही लगाएंगे। इसको देखिए, हम अच्छा सा बेल लेंगे फटाफट। आपको जो शेप का चाहिए, बहुत से लोग गोल बनाते हैं, कुछ लोग लंबी बनाते हैं, तो जो शेप के आपको रोटी बनानी है वो शेप का बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने गोल बनाई है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम थोड़ा सा 1 चम्मच पानी लगाएंगे। ये देखिए, अब हम इससे पानी डालेंगे और हाथ की मदद से इसको अच्छे से फैला लेंगे। ये देखिए, मैंने अच्छे से इसमें पानी लगा लिया है। अब हम इसको आराम से उठा के तवे पे डालेंगे और जो पानी वाला जो हिस्सा है ना वो हमको तवे पे रखना है। जिस साइड हमने पानी लगाया है ना उसको नीचे डालना है ताकि वो चिपक जाए। ये देखिए, वो चिपक गई रोटी हमारी और ये अच्छे से हमारी नान फूलने लगी। जब ये अच्छे से फूलने लगे उसके बाद में आपको तवे को उठा के ऐसे पलटी करना है। तो आपको किसी भी लोहे के तवे में आपको ये रोटी बनानी पड़ेगी क्योंकि नॉन स्टिक में ये नहीं बनेगी। ये देखिए, कितनी अच्छी फूल गई और कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसको चम्मच से निकाल लेंगे। ये नीचे से भी अच्छे से चिक चुकी है और ऊपर से भी, देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है। मैं आपको पलट के दिखाती हूँ इसको। ये देखिए, पीछे से भी कितनी अच्छी है, गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा मस्का लगा लेंगे ताकि ये सॉफ्ट रहे। मस्का लगाने से फ्रेंड क्या होता है ना, ये ना बहुत देर तक नरम रहती है, तो हमारी ये जो तंदूर की रोटी है ना ये कड़क नहीं होगी, अच्छे देर तक ये नरम रहने वाली है। बस इसी तरीके से हम सारी अपनी रोटियां बना लेंगे। हम बनाएंगे हमारा चिकन कोरमा शादियों वाला। तो देखिए, मैंने चिकन को साफ़ करके रख लिया है और मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी। हम इसमें नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से और आधा चम्मच धनिया पाउडर। अब मैं इसमें दही ऐड करूँगी। ये देखिए, एक डब्बी दही, ये आधा किलो मैंने चिकन लिया है तो इसमें इतना दही काफ़ी है। अगर आप लगता है आपको तो थोड़ा सा और दही डाल सकते हैं, वरना इतना काफ़ी है। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। ये देखिए,
आपको इसमें ये डाल देनी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, जब तक कि ये अच्छे से जो इसका मसाला एक दूसरे में मिल जाएगा। ये देखिए मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, और जब तक मैं ये मसाला आपको दिखा देती हूँ। मैंने 5-6 बादाम लिए हैं और ये 1 कटोरी काजू लिया है, इसको मैं भी भिगा के रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखिए, और ये 1 कटोरी में 2 चम्मच कस्तूरी मेथी, और इसको मैं पानी से भिगा के रख दूँगी। इससे क्या होगा, जब हम इसको यूज़ करेंगे ना तो इसका कच्चापन भी निकल जाएगा और कस्तूरी मेथी की खुशबू बहुत अच्छी आती है भीगने के बाद। तो मैं इसको अच्छे से भिगा दूँगी और इसको मैं दोनों को साइड में रख दूँगी। और ये मैंने प्याज लिया है 3, और ये हरी मिर्ची, आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्ची ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये मैंने फ्राई पैन रख लिया, इसमें थोड़ा तेल डालूंगी और इसमें मैं अपनी चिकन को पहले फ्राई कर लूँगी। जो मैंने चिकन फ्रिज में रखा था ना फ्रेंड्स, वो आधा घंटा हो चुका है। चिकन को मैं फ्राई कर लूँगी, सारे पीसेस को मैं एक एक करके डाल देना है। ये देखिए इसको अच्छे से फ्राई कर ले रहा है, इसको मैं पलट लूँगी। इसको ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, जैसे हम चिकन नॉर्मल फ्राई करते हैं उस तरह नहीं फ्राई करना है। वैसे फ्राई करेंगे तो ये कड़क हो जाएगी और इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। बस नॉर्मल ही देखिए, कहीं कहीं से हल्का सा ब्राउन दिख रही है, कहीं कहीं से वाइट दिख रही है ना। बस अब हमको निकाल लेना है इसको, और उसी पैन में मैंने अपना ये प्याज और मिर्ची डाल दिए। उसको मैं 5 मिनट के लिए खाली थोड़ा सा हिलाऊंगी, 5 मिनट भी नहीं फ्रेंड्स, बस सिर्फ 2 मिनट। ये देखिए अब मैं इसमें जो हमारे काजू और बादाम थे ना, इसको भी डाल देंगे, इसको भी अच्छे से भून लेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है ना वो निकल जाए। ये देखिए हल्का सा बस गल जाइए, ज़्यादा नहीं ब्राउन करना है। ये देखिए हो चुका है इतना, अब मैं इसको निकाल के पीस लूँगी। और ये देखिए मैंने मसाला पीस लिया है, और मैंने एक कढ़ाई में तेल डाल के मसाले को उसमें डाल देना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 चम्मच पीसी हुई छोटी इलायची का पाउडर, और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। और ये जो ये कोरमा है ना, ये उड़ता बहुत है, तो इसको हमें ज़्यादातर ढाक के ही बनाना है, क्योंकि आपका जो किचन है ना वो ख़राब नहीं हो। ये देखिए मैंने थोड़ी देर स्लो पे इसको रख दिया था, और जो हमारा जो चिकन फ्राई हो गया था वो भी मैंने इसको मिक्स कर दिया है। इसको मैं थोड़ी देर इसको स्लो पे पकाना है, इसको स्लो पे मिक्स करेंगे और फिर बाद में हम इसको ढाक के रखेंगे। ये देखिए ये अच्छे से पक चुका है, इसका जो पानी था ना वो सूख गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे कि जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से। ये देखिए, और अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि ये अच्छे से बन जाए, इसका जो कच्चापन है ना सब निकल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, अब मैंने इसको खोल के देखा है, ये चिकन भी हमारा गल चुका है और हमारा जो कोरमा है वो भी हो चुका है। ये मैंने एक कटोरी में मस्का डाल रही हूँ हमें इसमें तड़का लगाने के लिए हमारे वाइट चिकन में। देखिए बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब जो हमारी कस्तूरी मेथी थी हमने मिगाई थी ना, उसको हमें काट के इसमें डाल देना है और इसको अच्छे से भून लेना है बटर में। तो ये क्या होगा ना, जब ये मस्के में भूनती है ना तो इसका कच्चापन निकल जाता है, और जब हम इसको अपने जो हमारा मलाई चिकन जो कोरमा बना है जब उसमें डालेंगे तो खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो देखिए ये अच्छे से तल चुका है, अब मैं इसको कढ़ाई में डाल दूँगी। ये देखिए जो हमारा मलाई चिकन है वो भी रेडी हो चुका है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो हमारा ये चिकन रेडी हो चुका है, मैं इसको सर्व कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये मलाई चिकन बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आपको रेस्टोरेंट से मंगाने की या शादियों का इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर में आराम से बना सकते हैं ये मज़ेदार सा मलाई चिकन का कोरमा और ये हमारी सॉफ्ट सी तंदूरी रोटी। देखिए मलाई ली है, ये देखिए अब इसको हम 1 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे, जिससे इसका जो टेस्ट है वो और मज़ेदार हो जाएगा, बहुत ही यम्मी हो जाएगा। देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे हमारा मलाई चिकन रेडी है। तो बस फ्रेंड्स आप लोग भी अपने घर में ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।